फ्रेंड्स, मिशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए, इट इज़ द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन इन द आर्गन प्लेन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये इसको समझते हैं कि ये मेरा कोई ये एक्स और ये वाई प्लेन है, ये इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये एक्स वाई प्लेन को आर्गन प्लेन बोलते हैं। और आर्गुमेंट क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ये एक एंगल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। तो ये मान ले कोई पॉइंट ये एक्स कॉमा वाई है, ये पी पॉइंट है, तो इसी थीटा इसी एंगल को, मतलब थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई टू ओ पाई, इट इज नोन एज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इट इज डिनोटेड बाय ए आर जी जेड। मतलब कोई भी ये एक लाइन है और ये ओरिजिन है, यहाँ पे पाई और ये माइनस पाई, तो ये मतलब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये माइनस पाई और पाई के बीच में ही लाई करेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। If argument lies in the interval minus pi to pi, it is known as principal argument. It is denoted by argz. अब ये principal argument ये minus pi से pi के बीच में ही lie करेगा, ये origin है हो गया, इसके बीच में ही lie करेगा principal argument। और normal argument अभी बताते हैं। ये argument of a complex number is equal to principal argument plus 2n pi, n belongs to z, z क्या है, ये इंटीजर है। अब आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्मूला हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n pi। अब यहाँ पे n क्या हो सकता है, ये n इक्वल टू 0, 1 और माइनस 1 होगा। अब ये माइनस 1 कब लेंगे, जब ये सम क्या होगा, सम ग्रेटर देन पाई होगा। और फिर ये 1 कब होगा, ये सम लेस देन माइनस पाई होगा। और 0 कब होगा, जब ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा तो 0 होगा। टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इन्फिनिटी। अब ये ओरिजिन है मेरा। अब ये आर्गुमेंट क्या होता है, ये 360 डिग्री के बीच में, मतलब इनफाइनाइट आर्गुमेंट होगा, ये ऐसा है। और फिर ये नॉर्मल आर्गुमेंट निकालते हैं, जैसे ये देखिए। अब ये आर्गुमेंट निकालने का फॉर्म, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड वाई अपॉन एक्स, इससे निकालते हैं। अब ये देखिए, ये अल्फा हो गया और ये पाई प्लस अल्फा, और ये सॉरी ये पाई माइनस अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा और ये 2 पाई माइनस अल्फा, ये इसका यूज करके एक आर्गुमेंट निकालेंगे। और फिर ये दूसरा एक यूज करेंगे, ये अल्फा पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई और फिर माइनस पाई माइनस अल्फा। अब ये इससे कैसे निकालते हैं, आइए ये देखते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये पहला है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई।
तो आइए इसको पहले हम ये नीचे से 1 माइनस आई को रिमूव करके अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लाते हैं। पहले इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो ये 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, तो ये क्या हो गया, अब ये इसका होल स्क्वायर हो गया, तो 1 और ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो गया, और ये प्लस 2 आई अपॉन 1 प्लस 1, ये आई स्क्वायर की वैल्यू, अभी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और फिर ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये 1 और यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 1 हो गया, और फिर ये इससे ये कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ से 0 प्लस आई के फॉर्म में बन गया। तो अब ये आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं, तो ये tan अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे वाई कितना है, ये 1 है, और ये कितना है, 0 है, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये tan अल्फ़ा कितना पे इन्फिनिटी होता है, तो ये पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी होता है। तो ये मेरा आर्गुमेंट क्या हो गया, आर्गुमेंट पाई बाई 2 हो गया। अब फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 प्लस आई, अब इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये 1 माइनस आई, यहाँ 1 प्लस 1, अब ये 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आई हो गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा वाई अपॉन एक्स मॉड में देंगे, और फिर यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और फिर ये tan 1 कब होता है, ये पाई बाई 4 पे होता है, और फिर ये किस क्वाड्रेंट में है, अब ये एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने, ये दो प्रॉपर्टी बताया था, क्या अल्फा पाई प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, और फिर ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताया था, अल्फा फिर ये पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई और माइनस अल्फा। अब ये देखिए, इससे तो नॉर्मल निकलेगा, और इससे क्या निकलेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करती है। तब ये देखिए, अब ये क्या है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो मतलब ये एक्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इससे नॉर्मल आर्गुमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे ये 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया, 4 दुना 8, 7 पाई बाई 4 हो गया। अब ये तो मेरा नॉर्मल आर्गुमेंट हो गया, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखते हैं इसका निकाल करके। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होता है, तो ये माइनस पाई हो गया, माइनस पाई बाई 4 हो गया, तो ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब इससे ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब इससे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए 7 पाई बाई 4 है, अब ये मेरा नॉर्मल है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये प्लस 2 एन पाई जोड़ देंगे, अब एन को क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, क्यों माइनस 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटर देन पाई है, पाई से बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे एन की वैल्यू, तो ये 7 पाई अपॉन 4,
और ये माइनस टू पाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, चार दुना आठ, सेवन पाई माइनस एट पाई अपॉन फोर, तो ये मेरा कितना हो गया, माइनस पाई बाई फोर। तो मेरा ये तो नॉर्मल हो गया और फिर ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट तीसरा क्वेश्चन है, माइनस टू प्लस टू आई। तो पहले ये टेन अल्फा इक्वल टू मॉड वाई अपॉन एक्स, तो ये माइनस सॉरी प्लस टू अपॉन माइनस टू, तो ये फिर वन हो गया, और ये टेन वन कब होता है, पाई बाई फोर, और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर्गुमेंट ए आर जी आर्गुमेंट कितना होगा, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई बाई फोर, ये क्या हो गया, थ्री पाई बाई फोर आंसर हो गया। और फिर ये एक देखते हैं, क्वेश्चन और है, फोर्थ क्वेश्चन है, माइनस थ्री माइनस रूट अंडर थ्री आई। अब यहाँ से भी टेन अल्फा इक्वल टू मॉड वाई अपॉन एक्स, माइनस रूट थ्री रूट और ये थ्री। अब ये इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री कब होगा, अभी ये टेन पाई बाई सिक्स, मतलब ये थर्टी डिग्री पे, टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाई रूट थ्री होते हैं, तो ये पाई बाई सिक्स हो गया, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो निगेटिव और फिर ये निगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, ये पाई प्लस अल्फा, ये नॉर्मल और ये प्रिंसिपल क्या था, अल्फा माइनस पाई। तो इसका ये लिखेंगे, नॉर्मल आर्गुमेंट लिखते हैं पहले, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या लिखते हैं, ये पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, अब ये कितना हो गया, सेवन पाई बाई सिक्स। अब ये नॉर्मल, मेरा ये नॉर्मल प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, सॉरी नॉर्मल आर्गुमेंट हो गया। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसी में हम माइनस टू पाई कर देंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये पाई से ग्रेटर देन वैल्यू है, तो इसलिए माइनस टू पाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस फाइव पाई बाई सिक्स, ये मेरा आंसर हो गया, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, और फिर और ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल आर्गुमेंट हो गया। थैंक यू।